जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ कॉन्स्टेबल मनीष रॉय। तो आप लोगों के बहुत दिन से मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है टाइम की वजह से। जो वीडियो था कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए हैं कि सर मैंने स्टेट वाइज स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भरा हूँ अप्लाई के टाइम, तो ये मेरा लीगल होगा कि अनलीगल। तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर ही बताना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी और ओबीसी का होता है। तो आप लोग किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट भरो, चाहे वो स्टेट का भरो, सेंट्रल मतलब सेंट्रल और स्टेट का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। मेरे जानकारी के हिसाब से एक ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो मेरे टाइम पे मैं भरा था उसमें मेरा सब कुछ हो गया था। मतलब मैं एससी से भरा था तो मेरा एससी से हो गया था। तो आप लोग भी अगर एससी एसटी और ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट भर रहे हो तो जिसमें भी भरो तो आपका वही लीगल है। इसमें कोई आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा होगा आगे जाके होगा कि नहीं होगा। ये आप लोगों को पता नहीं कौन बताया होगा, लेकिन ये गलत बात है। कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है, और जो आपके पास है मतलब लीगल कास्ट सर्टिफिकेट, वही आप लोगों को किसी भी आप सेंट्रल का नौकरी में जाइए, आप लोगों को इसी के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप एससी हो तो एससी के सिलेक्शन होगा, एसटी होगा तो एसटी के हिसाब से होगा, ओबीसी होगा तो ओबीसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई आप लोगों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि जब आप लोग दूसरी स्टेट की किसी भी फॉर्म मतलब वैकेंसी में फॉर्म भरते हो, रिक्रूटमेंट में मतलब उसमें जो रिक्रूटमेंट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें अगर फॉर्म भरते हो तब जाके आप लोगों को जनरल हो जाता है। क्योंकि सिर्फ यही एक जगह है, जब आप किसी आप अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप बंगाल में जाके फॉर्म भर रहे हो बंगाल के किसी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में, तो आप किसी भी एससी हो एसटी हो या ओबीसी हो आपको जनरल में ही आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके आप जनरली होंगे। अगर आप सेंट्रल के किसी भी वैकेंसी में आप लोग किसी भी जॉब में आप एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वही रहेगा। अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हो एससी होगा, एसटी से बिलोंग कर रहे हो एसटी होगा, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो ओबीसी होगा। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।